शंकर मिश्रा, नाम तो सुना ही होगा। काफी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं शंकर मिश्रा जी। 42 दिनों के बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस देश में नारी की पूजा, नारी के सम्मान की बात की जाती है, उसी देश के शंकर मिश्रा फ्लैट के अंदर एक नारी के ऊपर पेशाब कर देते हैं। और फिर जब ये मामला सबके सामने आता है, पहले तो मिश्रा साहब का नाम नहीं बताया जाता है, पूरी कोशिश की जाती है कि ये नाम सामने ना आए। फिर जब दबाव बनता है और किसी तरीके से ये नाम बाहर आता है और इनका नाम शंकर निकलता है, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर एयर इंडिया एक महीने के लिए अपने फ्लाइट में चढ़ने से रोक देती है। ये सजा दिया जाता है। इतनी बड़ी सजा पाकर तो आरोपियों की रूह अंदर तक हिल जाएगी कि भैया हमने इतना गंदा हरकत किया और हमें एयर इंडिया ने एक महीने के लिए बैन कर दिया है। एक महीने के लिए बैन, वो भी एयर इंडिया ने। मानो अब कोई विकल्प ही ना हो उस बंदे के पास। अब वो कोई एयरलाइन पर चढ़ ही नहीं सकता है। एक शख्स जो पढ़ा लिखा, बाहर मुल्क में नौकरी करता है, बड़े पोस्ट पर है, और उसका महिला के प्रति इज्जत देख लीजिए, और नाम भी शंकर मिश्रा। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक शख्स इतनी घटिया हरकत करता है, उस पर कार्रवाई करने में इतना वक्त गुजार दिया जाता है, 42 दिन बाद वो पकड़ा जाता है। अगर सपोज कीजिए, सोच कर देखिए कि अगर ये शख्स जो है मुस्लिम होता, शंकर की जगह सोहराब होता, तो क्या इस तरीके की खबरें आपको मीडिया में दिखाई देती? नहीं। तब चलता पेशाब जिहाद, वो तो धन्य हो कंपनी का। जैसे ही उस बारे में पता चला कि इसने महिला के साथ बदतमीजी की, और उसने फौरन ही सुनते हुए न्यूयॉर्क की कंपनी ने इसे बाहर फेंक दिया है। वेल्स फॉर्गो जिस कंपनी में ये काम करता है, कर्मचारी है, और उसी कंपनी ने अपना बयान साझा करते हुए साफ कहा है कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर रखता है। ऐसे में शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। ऐसी घटना करने के आरोपी को कंपनी से हटा देने का निर्णय लिया गया। हम अपने कर्मचारियों पर होने वाली हर जांच में सहयोग का दावा करते हैं। अगर उन्हें किसी भी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी तो वो उन्हें दी जाएगी। मुंबई का रहने वाला शंकर मिश्रा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, वेल फर्गो कंपनी का था, मतलब अब है नहीं। ये कंपनी अमेरिका के एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है। दिल्ली पुलिस ने उन पर यौन उत्पीड़न और अश्लीलता की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया और दिल्ली पुलिस ने इन पर FIR दर्ज किया। वहीं दोस्तों एयर इंडिया ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई थी। जैसे मामला ने तूल पकड़ा, मिश्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भाग गया। दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी को उसे बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। शंकर मिश्रा ने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में, बिजनेस क्लास फ्लाइट में, सफर के दौरान महिला सहयात्री के साथ ये बदसलूकी की थी। महिला सहयात्री की उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है। इस मामले को लेकर पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर यही चर्चा हो रहा है कि शंकर मिश्रा ने कैसे महिला पर शू कर दिया, उस पर पेशाब कर दिया। लेकिन अगर आप सोचिए दोस्तों, जितना चर्चा होना चाहिए क्या हो रहा है? क्या गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि देखिए इनके संस्कार? धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात, धर्म को टारगेट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। अब मुसलमान होता तब तो मजा आता खबरों को एंगल देने में, मरोड़ कर तोड़ कर दिखाने में, बहुत चटकारे लेकर खबर पढ़ने में। लेकिन अफसोस की बात, ये शंकर मिश्रा है। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, सर्कुलर नोटिस जारी किया था और उसकी लगातार तलाशी की जा रही थी। शंकर मिश्रा मुंबई का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ टीमें मुंबई भेजी थी और उसकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे बैंगलोर से गिरफ्तार कर दिया और उसे दिल्ली लाया जा चुका है। अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करेगा। शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी वेल्स फार्गो ने भी नौकरी से निकाल दिया है। खबरों के मुताबिक शंकर मिश्रा ने महिला सहयात्री पर पेशाब करने के लिए माफ़ी भी मांगी थी और उनसे गुहार भी लगाई थी कि वो इसकी जानकारी पुलिस को ना दे, उन्होंने जो काम किया है इसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। शंकर मिश्रा के वकील ने यह दावा किया है कि मिश्रा ने महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें 15,000 रुपये मुआवजे के तौर पर भी दिए थे कि ये 15,000 रुपये जो है आप मुआवजे के तौर पर ले लीजिए, लेकिन महिला सहयात्री की बेटी ने इस रकम को वापस लौटा दिया। वहीं दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीड़ित महिला ने FIR में साफ बताया था कि इस घटना के बाद जब मिश्रा को उनके
सामने लाया गया तो उसने रोना शुरू कर दिया था और माफ़ी भी मांगने लगे थे। महिला ने कहा था कि एयर इंडिया के क्रू का बर्ताव पूरी तरह अनप्रोफेशनल था। इस संबंध में आईपीसी की धारा कई धाराओं में जी इस संबंध में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको ये भी जानकारी दे दे कि हमारे देश की सरकार ने किस तरीके से जो है इस पूरे मसले पर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCS ने एयर इंडिया के अफसरों और केबिन क्रू को नोटिस जारी कर दिया। DGCS ने पूछा कि इस घटना में उनके द्वारा की गई लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस तरीके से जो है उन्होंने फटकार लगाई है। DGCS ने कहा है कि एयर इंडिया के स्टाफ का ये बर्ताव बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल था। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए एयरपोर्ट पर अलर्ट तक जारी कर दिया था, उसके फ़ोन को ट्रेस किया और उसके बैंक ट्रांजैक्शन की निगरानी भी की थी। शंकर मिश्रा की लोकेशन के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी एक टीम को बैंगलोर में तैनात किया और NDTV के मुताबिक अगर बात की जाए कि शंकर मिश्रा ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहा था और इसे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली। सूत्रों के मुताबिक एक जगह उसने अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक वो बैंगलोर के संजय नगर में रहने वाली अपनी बहन के घर पर रुकने की कोशिश भी कर रहा था। बैंगलोर पुलिस की एक टीम ने शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस की मदद की है और अब इस पूरे मामले में अभियुक्त के सहयात्री ने बताया है कि इस दौरान क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, उस फ्लाइट में जो पैसेंजर है उनके को पैसेंजर, उसने इस पूरे मामले पर अभियुक्त का व्यवहार कैसा था उसको लेकर अब एक बड़ी जानकारी दी है। न्यूयॉर्क से आ रही फ्लाइट, जी हाँ दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक शख्स पर, एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने का आरोप लगा। ये घटना 26 नवंबर की है और उस शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर ली गई और वो गिरफ्तार भी हो चुका है। घटना के दिन अभियुक्त के साथ वाली सीट पर अमेरिका में रहने वाले ऑडियोलॉजी के डॉक्टर सुगात भट्टाचार्य मौजूद थे, जो बिजनेस क्लास की पहली पंक्ति के सीट ए पर विंडो सीट पर बैठे थे। वहीं अभियुक्त की सीट 8C थी। सुगाता ने अखबार से बातचीत करते हुए बताया कि वो शराब के नशे में बेहद धुत थे, विस्की के 4 ग्लास लगाए हुए थे, नशे में थे। मुझसे 3 बार जो है एक सवाल पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है। तब मैंने एयरलाइन के स्टाफ से कहा कि मेरे सहयात्री नशे में से ज्यादा शराब ना दे। सुगाता के मुताबिक जिस तरह वो नशे में लग रहे थे, हो सकता है कि उसने लंच से पहले और भी पी रखी थी। शंकर मिश्रा के पिता ने अब अपने बेटे के बचाव में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अपने बेटे की पैरवी करते हुए कि उसके बेटे की कोई जानकारी नहीं है। 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में क्या हुआ, आरोपी शंकर के पिता श्याम नवल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा बेटा 72 घंटे से सोया नहीं है। वो न्यूयॉर्क होते हुए सैन फ्रांसिस्को मुंबई आ रहा था, उसने फ्लाइट में थोड़ी सी शराब पी ली थी और वो सोया नहीं। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है उसके साथ। उसे कोई जानकारी नहीं है कि उसने फ्लाइट में किसी पर पेशाब किया भी है या नहीं। दरअसल क्रू मेंबर्स ने ही उसे उठाकर इस घटना के बारे में बताया कि उसने एक महिला पर शू कर दिया है। तो इस जानकारी को साझा करते हुए उसके पिता कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको जो भी हुआ है नशे में हुआ है और उसको इस पूरे मामले में कोई जानकारी भी हासिल नहीं थी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।